मटियाला विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में छावला वार्ड 39 सेस से आम आदमी पार्टी के नेता सुमित शौकीन के द्वारा खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक गुलाब सिंह यादव भी उपस्थित हुए। पूरे छावला से कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने विधायक गुलाब सिंह यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो वहीं गुलाब सिंह यादव ने सभी के साथ केक काटते हुए सभी लोगों का शुक्रिया किया और क्या कुछ कहा मीडिया से बात करते हुए, देखिए इस रिपोर्ट। जनता है पूरे क्षेत्र ने दोबारा जिताकर भेजा, तो काम के दम पे जिताया था। लोगों की अभी भी अपेक्षाएं बहुत है और ये जो काम पिछले 5 साल में जो हुए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, उनके सहयोग से, तो ये उस काम के प्रति स्नेह, लोगों का प्यार है। और सुमित भाई और विकास राय जो इस वार्ड के अध्यक्ष है, सुमित पूर्व प्रत्याशी रहे, उन सबका अपना स्नेह है, उनकी व्यवस्था यहाँ पर और लोगों का प्यार उनके प्रति है, तो मैं इसके लिए सारे सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, मैंने अभी बताया आपको, सबसे बड़ा तोहफा तो स्कूल है। अगले कुछ ही दिनों में हम एक नए स्कूल की बिल्डिंग का यहाँ पे शुरुआत करेंगे। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि इस समय जैसे कोविड में बेड नहीं मिल रहे थे, पिछले एक सप्ताह में जो परिस्थिति बन के आई है कि डेंगू के केस बढ़ने शुरू हुए, वो डेंगू फैलता किससे है, मच्छर से, एक सिंगल उसका एक वो है। नगर निगम की पूरी जिम्मेवारी बनती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम पिछले 15 साल से चल रहा है, ये उनकी पूरी जिम्मेवारी है। यहाँ के जो काउंसलर हैं महोदय, वो जीत कर गए यहाँ से 5 साल पहले, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आजकल दिखाई नहीं देते हैं, कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि कॉलोनियाँ हमें हैंड ओवर नहीं हुई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता से, जब वो वोट मांगने इस बार आए तो उनको बोलना, भैया फिर जब आपको हमारी कॉलोनी हैंड ओवर नहीं हुई तो वोट क्यों हैंड ओवर करें हम आपको। तो जनता को ऐसे व्यक्तियों से बचना चाहिए और भाजपा की पूरी जिम्मेवारी है कि आज अगर किसी की डेंगू से मौत होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी सीधी सीधी जिम्मेवार है। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे हमारे कार्यकर्ता फॉगिंग कर रहे हैं, अपना पूरा प्रयास करें, पूरी टीम लगी हुई। तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के आयोजक कर्ता सुमित शौकीन और विकास राय ने क्या कुछ कहा, उसकी भी एक झलक देखिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस तरह से आज पूरी मटियाला विधानसभा में एक दिवाली सी मनाई जा रही है विधायक जी के जन्मदिन पे, और लगभग मेरे हिसाब से अभी भी 16-17 प्रोग्राम अब तक हो चुके हैं, हमारा 17वां प्रोग्राम था, अब आगे भी और 3-4 प्रोग्राम में उनको जाना है, तो सभी पूरी विधानसभा की सभी मतदाता जिन्होंने काम के दम से उनको चुना था, और वे विकास पुरुष है, ये सच्चाई बात है, दूसरी बार कोई ऐसे ही नहीं जीतता, से दूसरी बार काम के दम से जीतना पड़ता है, पहली बार विचार होते हैं, दूसरी बार काम होता है, तो विकास पुरुष है और बहुत बहुत शुभकामनाएं, पब्लिक उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने पूरे छावला वार्ड के सभी क्षेत्रवासियों का, मेरी माताओं बहनों का जो इतनी ज़्यादा संख्या में है, आज इस टाइम मच्छरों का टाइम हो रखा है शाम का, फिर भी यहाँ पे आए हैं और सब आके उनको आशीर्वाद और प्यार दिखे गई है, क्योंकि एक प्यार है हमारे और जनता के बीच जो ऐसे ही बना रहता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना। मिलना भी बड़ा मुश्किल है जो हमेशा महकता रहे, हमारे विधायक जी हमारे लिए ऐसे ही गुलाब हैं, जिन्होंने खुद मतलब इतना पूरी जितना छावला वार्ड तो खासकर उनका ऋणी रहेगा हमेशा, जहाँ जो पुराने विधायक मना करते रहे ये काम नहीं हो सकता वो काम नहीं हो सकता, आज उन्होंने हर कॉलोनी में रोड नाली बना के हर जगह पानी जो जहाँ पहुँच रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, लाइट की इतनी ज़्यादा समस्या थी, सारी सॉल्व कर दी और उसकी वजह से ये छावला वार्ड आज महक रहा है। हम लोग तो सब लोग एक परिवार की तरह है और उनके साथ हम दिल से, मैंने ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी लोगों से भी यही बोला था कि हम लोग तो हमेशा ये उनके साथ दुआएं देंगे कि विधायक जी आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और हमारे काम करवाते रहें, सीवर लाइन डले, पानी आए छा कुतुब विहार में।